ज्ञान निकेतन के परिसर में जायंट्स ग्रुप ऑफ गढ़वा सहेली के तत्वावधान में स्कूली बच्चों के बीच जल संरक्षण समस्या और सुझाव पर गोष्ठी की गई। सर्वप्रथम जायंट्स फेडरेशन 8 के अध्यक्ष मदन प्रसाद केसरी, जायंट सहेली अध्यक्षा सुषमा केसरी सहित अन्य वरिष्ठ सदस्य के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सहेली अध्यक्षा ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि जहां हम सभी रहते हैं वह क्षेत्र ड्राई जोन कहलाता है, जहां जल का सदैव अभाव होता है। अतः हमें जल संरक्षण और उसके प्रबंधन पर विशेष रूप से ध्यान रखने एवं वर्तमान पीढ़ी को जागरूक करने की आवश्यकता है। फेडरेशन 8 के अध्यक्ष मदन प्रसाद केसरी ने अपने संबोधन में कहा कि जायंट्स सहेली द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम वर्तमान समय के लिए सराहनीय कदम है। उन्होंने बताया कि जल जंगल बचाने से ही जीवन बचेगा, क्योंकि अनुमान लगाया गया है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए ही होगा। जल संकट वर्तमान समय में बड़ा कारण है। जल प्रबंधन और बचाव से ही दुनिया आबाद रहेगी। अतः ग्रीष्म ऋतु में जल का बचत और आने वाली वर्षा ऋतु में जल का अधिकाधिक संचय आवश्यक है। बच्चे इस मुहिम का हिस्सा बने। शिक्षक मनोज कुमार ने कहा कि मानव अपने जीवन शैली और आदतों में थोड़ा सा भी बदलाव लाता है तो वह 30% पानी का बचत कर सकता है। इस अवसर पर उपस्थित छात्र छात्राओं को जल बचाओ अभियान को आगे बढ़ाने, दूसरों को प्रेरित करने एवं जीवन में अपनाने के लिए शपथ दिलाई गई। मंच का संचालन प्राचार्य बीके ठाकुर ने की, जबकि धन्यवाद ज्ञापन वरिष्ठ शिक्षक एसएन उपाध्याय ने की। इस अवसर पर सहेली के कई सदस्यों की उपस्थिति रही, साथ ही साथ स्कूल के सभी शिक्षक गण उपस्थित थे। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।